हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एमसीक्यू में प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इस तरह के बनते हैं, तो हम इसी सेगमेंट को लेकर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और एपीओ के लिए खास करके क्लासेज स्टार्ट कर दी है मैंने, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सिर्फ सेलेक्टेड ही टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, बाकी सारे पेड ग्रुप के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और बाकी इतना सब पॉसिबल भी नहीं है। यूट्यूब पर आप समझ सकते हैं, वहाँ पर पेड ग्रुप में स्ट्रेटेजी साथ में पूरा आपको मटेरियल दिया जा रहा है, आप उसको ही पढ़ेंगे तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा। एपीओ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा ग्रुप चल रहा है और मेरा नंबर है व्हाट्सअप 7500110314 पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ही व्हाट्सअप करें एपीओ के लिए जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे तो अभी मध्य प्रदेश सिविल जज का भी चल रहा है, ओनली फॉर जीएस और यूके सिविल जज का भी चल रहा है, वो भी इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं, देश है और उनके संसद यानी पार्लियामेंट, जैसे हमारे यहाँ संसद होती है उसको क्या बोला जाता है। जैसे भारत है तो भारत की संसद को संसद ही बोला जाता है, रूस की ड्यूमा, ठीक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भूटान की त्योंगडू इसको बोला जाता है भूटान की, पाकिस्तान की संसद को बोला जाता है नेशनल असेंबली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इसके बाद इसराइल की नेसेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक है। जापान की संसद को बोला जाता है डायट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान की मजलिस, ये आप लोगों को याद होगी ही, ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। इसके बाद बात करें अफगानिस्तान की, तो ये शोरा अफगानिस्तान की संसद को बोला जाता है शोरा। आप इसको ना नोट कर लें एक बार, और नोट कर लेंगे ना तो आधी तो आपके नोट करने में ही याद हो जाएंगी, इसके बाद एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो ये सारी की सारी आप लोगों की याद हो जाएंगी। तुआन की संसद को बोलते हैं युआन, काफ़ी ताइवान की, तो युआन काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, वेरी वेरी मोस्ट, अब तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट है नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत इसको बोला जाता है। और बांग्लादेश की भी वेरी वेरी मोस्ट है जातीय संसद, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसके बाद अमेरिका की जो है वो कांग्रेस बोला जाता है संसद को, ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है जबकि संसद वहाँ की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। और चीन, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, तो प्लीज़ इसको मैं नोट कर लिया। एक मैं आप लोगों को मोटी बात से बताऊँ तो वो सारे संसद आप लोग याद कर लें जो भारत के पड़ोसी राज्य देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उन सब की संसद आप लोग याद कर लें, उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साथ में उनकी करेंसीज और कैपिटल वहाँ की पता होनी चाहिए जो भी हमारे नेबर कंट्री हैं, ठीक है। इसके बाद जर्मनी की तो बुंडस्टैग वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। पोलैंड की है सेजेम, ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। फ्रांस की नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की भी नेशनल असेंबली थी, ये भी ध्यान रखें। और स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली है, ठीक है, तो ये सिर्फ सेलेक्टेड ही मैंने आप लोगों को बताई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इन्हीं में से याद आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार मैं रिविज़न कर दे रहा हूँ, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम देख लें फ्रांस, इसराइल, ठीक है, और रूस की, ठीक है, इसके बाद ईरान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और चीन की, तो इन देशों की आप देख लें, और अफगानिस्तान की सोरा, तो ये सारी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही तो यार लाइक तो कर दो, साथ में अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना बोलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जब सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिएगा ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं ये, जैसे शब्द चिन्ह इनके क्या होते हैं, प्रयोग और विषय क्या होती है। तो इको मार्ग जो होता है वो उन्हीं चीज़ों पर होता है लगा हुआ, इको मार्क जो इन्वायरमेंट की प्योरिटी को बताते हैं यानी पर्यावरण शुद्धता को बताते हैं। और एग मार्क होता है जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, इन पे एग मार्क लगा होता है कि हाँ भाई ये खाने लायक कैपेबल हैं, ठीक है, खाने लायक हैं, ठीक है, तो उन्हीं पर ये लगा होता है। रेड डेटा बुक होती है, संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है, जो ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। ग्रीन डेटा बुक प्रजातीय विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर संपन्न होती है वहाँ पर ग्रीन डाटा बुक, यानी जहाँ पर जीव जंतु बिल्कुल एक खुशहाल जिंदगी में रहते हैं और वहाँ पर डाइवर्सिटी बिल्कुल एक प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है, तो वो ग्रीन डेटा बुक होती है। इसके बाद कार्बन 14 जीव आसमों की आयु का निर्धारण करते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डब्सन इकाई, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डब्सन की इकाई ओजोन परत का ये मापते हैं इसको, और डेसिमल की इकाई
है ध्वनि प्रदूषण की माप, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट्स, तो ये इससे आप लोगों को पता ही है अनुवांशिकता का निर्धारण करते हैं, ये भी काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। एपीओ के लिए हमारा ग्रुप चल रहा है, आप उसको पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके का कंटेंट मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में अगर आपको मध्य प्रदेश सिविल जैसे या उत्तराखंड सिविल जैसे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।